see objects. Point number one. We can see an object which may be, or we can see a luminous or non-luminous object, a luminous or non-luminous object if light from the object reach our eye. कोई ऑब्जेक्ट को हम कब देख पाते हैं? लुमिनस है तो वहीं से लाइट निकल रहा है, निकल के हमारे आंखों पे आ रहा है। नॉन लुमिनस है तो दैट इज बीइंग इल्यूमिनेटेड बाय दूसरा लुमिनस सोर्स और वो लाइट वहां से धक्का खा के हमारे आंखों में आ रहा है। जैसे ये दिस इज व्हाट इज ए बल्ब और ये बल्ब को आप देख पा रहे हो क्योंकि स्ट्रेट वे लाइट इज रीचिंग योर आई। आप ये ब्लॉक को देख पा रहे हो क्योंकि यहां पर जो लाइट आ रहा है ये धक्का मुक्का खा के आपकी आंखों में जा रहा है। सो यहां से भी लाइट जा रहा है, यहां से भी लाइट जा रहा है, यहां से लाइट जा रहा है, तो आपको ये दिखता है। ये लाइट के कारण आपको ये दिखता है। तो लाइट के कारण हम क्या देखते हैं? उस सोर्स को देखते हैं जहां से वो लाइट आ रहा है। दैट सोर्स में भी ए लुमिनस और ए नॉन लुमिनस सोर्स। समझ में आया क्या? दैट सोर्स विल बी कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हम किसको कहेंगे? इट मे बी ए लुमिनस सोर्स, इट मे बी ए नॉन लुमिनस सोर्स। ऑब्जेक्ट हम किसको कहेंगे? रिफ्लेक्शन चैप्टर में विल बी रिपीटेडली यूजिंग टर्म्स ऑब्जेक्ट, इमेज, ये सब टर्म्स हम यूज करते हैं। तो ऑब्जेक्ट हम किसको कहेंगे? जहां से हमें लाइट पहुंच रहा है हमारे आंखों में, हम उसको कहेंगे ऑब्जेक्ट। और ये जनरल कंसेप्शन है। मान लो कि आप कोई एक बहुत ही डार्क रूम में खड़े हो, किसी एक कोने में एक लाइट एलईडी लाइट ग्लो कर रहा है, तो वहां से लाइट आके आपकी आंखों में पहुंच रहा है पूरा डार्क रूम में। कोई पूछेगा, बताओ वो एलईडी लाइट कहां पर ग्लो कर रहा है, तुरंत आप हाथ दिखा के बोल देते हो वहां पे ग्लो कर रहा है। क्यों? क्योंकि वहां से लाइट आ रहा है और हमारा ये तो ब्रेन में बैठ गया है कि लाइट मूव्स ऑलवेज अलोंग स्ट्रेट लाइन। वहां से लाइट मेरे आंखों में आ रहा है, मतलब दैट ऑब्जेक्ट मस्ट बी समवेयर देयर। कितने भी अंधेरे में कोई एलईडी अगर ग्लो कर रहा होगा, किधर ग्लो कर रहा है इंडिकेट करो बोलने से हम आसानी से इंडिकेट कर देते हैं, हाँ यहाँ ग्लो कर रहा है, क्योंकि हमें लगता है कि लाइट वहां से आ रहा है, तो पक्का ऑब्जेक्ट यहां पर है। दैट इज ए लुमिनस सोर्स, एलईडी लाइट मतलब लुमिनस सोर्स। ठीक है, तो जब भी हमारे आंखों में कोई ऑब्जेक्ट आके, कोई लाइट रे आके पहुंचता है, हम ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं और क्या सोचते हैं? वो ऑब्जेक्ट क्या है? इट इज अलोंग द रे, जिस डायरेक्शन से लाइट आ रहा है। अगर यहां से कोई बॉडी है, यहां से आप देख रहे हो लाइट आपकी आंखों में पहुंचा, तो तुरंत आप कहते हो कि ऑब्जेक्ट इधर है ना, ये सबको मालूम है, इसमें कोई नया चीज तो है नहीं। अच्छा, पॉइंट नंबर टू। लेकिन अपनी अपनी आंखों का भी एक काबिलियत है, वो कितना देख पाएगा, कितना नहीं देख पाएगा, कितना जल्दी जल्दी देख पाएगा, कितना जल्दी जल्दी नहीं देख पाएगा, वो सारे के बारे में थोड़ा बहुत देखेंगे, तभी चल के हमें आगे चल के रियल इमेज, वर्चुअल इमेज चीजों को समझ पाएंगे। ठीक है, एक बड़ा खतरनाक क्वेश्चन होता है जो कि यूजुअली इज नॉट एक्सप्लेन, व्हाई यू कैन नॉट सी ए रियल इमेज। तो उसको समझने के लिए हमारा क्लैरिटी होना चाहिए कि हम चीजों को देखते कैसे हैं। ठीक, पॉइंट नंबर टू। नोट पॉइंट नंबर टू में हम देखना चाहते हैं रिजॉल्विंग पावर ऑफ एन आई, रिजॉल्विंग पावर ऑफ ए ह्यूमन आई ऑफ आवर आई इज 1 मिनट, मतलब 1/60 degree। You understand 1 minute? हाँ, 60 मिनट में 1 degree होता है एंगल। 1/60 degree क्या मतलब है? रिजॉल्विंग पावर ऑफ आई इज 1/60 degree, मतलब दैट इज, इसका मतलब ये हुआ कि इफ द रेज कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट, रेज
कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट सबटेंड, रे इज कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट सबटेंड एटलीस्ट वन बाय 60 डिग्री एंगल एट आर आई देन वी कैन रिकॉग्नाइज दी ऑब्जेक्ट। ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, थोड़ा देख लो। तो रिजल्विंग पावर ऑफ एन आई का मतलब क्या हुआ? कोई चीज को हम देख के पहचान पाएंगे कब? तब जब वहां से आता हुआ दो रे हमारे आंखों में कम से कम 1/60 डिग्री एंगल करेंगे। समझ में आया क्या? 1/60 डिग्री एंगल करेंगे। कहने का मतलब है, मैं आपको ऐसे समझाऊं, सपोज यहां पर आपकी आंख है, हियर इज योर आई, और आप यहां से देख रहे हो। आपकी आंखों के सामने कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये एक बॉडी है, ठीक है। आप देख रहे हो कि ये स्केल है, डंडा है, पेंसिल है, क्या है आपको दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि यहां से ढेर सारे रे आपकी आंखों में पहुंच रहे हैं, लेकिन उनमें से कुछ रे ऐसे आके पहुंच रहे हैं। देखो, सपोज ए रे इज कमिंग लाइक दिस, अनदर रे इज कमिंग लाइक दिस, द रे इज कमिंग फ्रॉम दिस ऑब्जेक्ट आर रीचिंग योर आई, सो यू आर एबल टू सी दिस, बट द एंगल हियर इज ऑल्सो सब्सटेंशियली लार्ज। अगर सेम बॉडी को हम दूर पे ले लेंगे, अगर हम कहेंगे यही बॉडी को हम इतना दूर पे रखेंगे, तो क्या होगा? अब यहां से आता हुआ रेज का एंगल विल बी वेरी स्मॉल। और भी दूर चले जाओ, एंगल घटते जाएगा कि नहीं जाएगा? जैसे जैसे दूर चले जाओगे एंगल घटते जाएगा। एंगल घटते घटते मान लो पहले 30 डिग्री था, फिर 10 डिग्री हुआ, फिर 1 डिग्री हुआ, घटते घटते 1/60 डिग्री अगर हो गया तो आपको पता नहीं चलेगा वो क्या दिखा रहा है। कुछ तो दिखा रहा है, लेकिन वो क्या है वो हमें समझ में, वी कैन नॉट रिकॉग्नाइज इट, हमें समझ में नहीं आएगा। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रहा है? जैसे मान लो कि मैं क्यूब पकड़ के यहां पे खड़ा हूं, रेड कलर का क्यूब है, ठीक है, रेड कलर का क्यूब है। इस क्यूब को आपके सामने पकड़ के रखा हूं, तो क्यूब को जैसे हम आपके सामने पकड़ के रखा हूं, तो आप देखोगे कि क्या है, ये क्यूब है। अब उसको लेके मैं आपसे धीरे 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 दूर चले जाऊंगा, तो काफी दूर में खड़े होने के बाद क्यूब तो दिखेगा, लेकिन ये पता नहीं चलेगा कि क्यूब है कि स्फीयर है कि सिलेंडर है। यू कैन नॉट रिकॉग्नाइज फ्रॉम ए फार अवे पॉइंट बिकॉज रेज कमिंग फ्रॉम दैट ऑब्जेक्ट आर मेकिंग एन एंगल लेस देन 1/60 डिग्री। यू कैन नॉट रिजॉल्व, आप उसको रिजॉल्व नहीं, दिखाई नहीं देगा, नहीं बोल रहे, दिखाई देगा, कुछ तो पकड़ा है लेकिन क्या है वो? समझ में आ रहा है क्या? कुछ तो पकड़ा है लेकिन क्या है पता नहीं चलेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग रिजर्विंग पावर ऑफ आई का मतलब क्या हुआ? ठीक तो रिजर्विंग पावर ऑफ आई का मतलब हुआ व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मेकिंग एटलीस्ट 1/60 डिग्री एट योर आई, यू कैन रिजर्व इट। अच्छा, यू कैन रिजर्व इट। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? पॉइंट नंबर 2 देख ले, लेट अस गो फॉर पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 में हम लोग देखेंगे परसिस्टेंस ऑफ ह्यूमन आई, परसिस्टेंस ऑफ ह्यूमन आई, ह्यूमन आई का परसिस्टेंस क्या है? इज 0.01 सेकेंड। हाँ, Persistence of human eye is 0.01 second. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? कोई चीज पास में है तो आप उसको देख लोगे, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है, वो आपके आंखों के सामने टिके हुए रहना चाहिए कम से कम 0.01 second के लिए। मैं अगर पूछूंगा ये क्या है, आप कहोगे पेन है सर। मैं अगर कहूंगा बताओ मैं क्या ले गया आपकी आंखों के सामने से, पेन या पेंसिल? पास से ही लिया, अब हाथ में पकड़ा था तो पेन बोल दोगे तो कैसे होगा है? अब बताओ मैं आपकी आंखों के सामने से क्या ले गया? यू कैन नॉट टेल। आप लोगों का परसिस्टेंस तो मैं धीरे से लिया, मैं अगर ऐसे करके ले लेता हूं, यू कैन नॉट सी। जैसे जब पंखा चलता है, कैन यू सी द विंग्स?
यू कैनॉट सी द विंग्स, विंग्स आर देयर बट यू कैनॉट सी देम। तो पर्सिस्टेंस ऑफ ह्यूमन आई क्या है, 0.01 सेकेंड। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट आपकी आंखों के सामने कम से कम 0.01 सेकेंड के लिए टिके रहेगा, तब भी आप उसको देख पाओगे। उससे ज्यादा स्पीड में भाग गया, यू कैन नॉट सी इट। सो व्हाट विल से, क्या लिखेंगे, देयरफोर इफ एन ऑब्जेक्ट इज इन विजिबल रेंज फॉर ए पीरियड फॉर ए टाइम एटलीस्ट 0.01 सेकेंड और मोर, देन ओनली इट कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय आर आई। हमारे आंखों की परसिस्टेंस तो 0.01 सेकेंड है, किसी दूसरे का कम ज्यादा हो सकता है, दूसरे एनिमल्स का कम ज्यादा हो सकता है। समझ में आ रहा है? तो हमारे आंखों के सामने अगर कोई चीज रहेगा कम से कम 0.01 सेकेंड के लिए, तो हम उसको देख पाएंगे। आप लोग कभी बचपन में ये एक्सपेरिमेंट किए होंगे तो मजेदार किए होंगे, नहीं किए होंगे तो कर लेना। यू टेक ए कार्डबोर्ड, ठीक है, आप एक कार्डबोर्ड या फिर कोई ऐसे पेपर में बना लेना, इसको थोड़ा सा हार्ड पेपर में कुछ बना लेना, ड्राइंग शीट में बना लेना, ऐसा शेप का एक पेपर बना लेना। बनाने के बाद एक क्या करना, उसके ऊपर आप बढ़िया से आर्ट बना देना। ऐसे मान लो इसको मैं केज बना रहा हूं, आई मेक ए केज ऑन इट, ऐसा एक केज बना दिया, ठीक है। इस पेपर का पीछे, पेपर के पीछे क्या बनाना है, पेपर का पीछे क्या करना है, मैं थोड़ा इसको बनाता हूं। इसी पेपर के पीछे क्या करना है बताता हूं, आप ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, बड़े मजेदार है, ठीक है। ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हो, इस पेपर का पीछे वाला हिस्सा में आपको क्या करना है, पहले इनको मैं भगाऊं, पिछला हिस्सा साफ था, व्हाइट था, तो इसके ऊपर आपको क्या करना है, तोता बनाना है, तोता, ठीक है, तोता बनाना है। बन गया तोता, अरे ये तो मछली बन गया, चलो मछली बन गया, तोता बनाते बनाते मछली बन गया, ठीक है, यू मैनेज। हाँ तो ऐसा बनाना है, फिर इसको क्या करना है, एक तरफ ऐसा केज का डायग्राम है, दूसरी तरफ ऐसा तोता है, फिर इसको क्या करना है, किसी एक धागे से इसको ऐसे सस्पेंड कर दो, इसका आगे आगे की तरफ ऐसा बना है, पीछे की तरफ ऐसा बना है, गॉट इट नाउ। अब इसको सस्पेंड करने के बाद जोर से घुमा दो, जोर से घुमा दोगे तो, बहुत जोर से अगर घुमा दोगे तो क्या होगा, क्या दिखेगा, देखो और बताओ मेरे को अगले क्लास। आपको दिखेगा मछली पिंजरे में है, क्यों, थोड़ी देर के लिए मछली है और बहुत जल्दी, आई एम नॉट एबल टू डिस्टिंग्विश, पिंजरा देख रहा हूं कि मछली देख रहा हूं, मछली का इमेज अंदर गया, ब्रेन उसको मछली बोल के जानने से पहले पिंजरा आ चुका है, वो भी जा चुका है, दोनों चीज एक साथ आएंगे, हमें लगेगा पिंजरे में मछली है। ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हो, लेकिन धीरे धीरे घुमाओगे तो नहीं होगा, जोर से घुमाओगे तो आप ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। कहने का मतलब है रिजर्विंग पावर ऑफ आवर आई, सॉरी the persistence of our eye is only 0.01 सेकेंड। अब जानते हो हमारे यहाँ सब जो इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं वो एसी है कि डीसी है, एसी है, we are using alternating current। alternating current के बारे में अगर देखोगे तो उसको अगर देखोगे कैसा होता है करंट का वेरिएशन, करंट का वेरिएशन कैसा होता है, अब देखोगे अगर करंट को समय के साथ प्लॉट करोगे, देखोगे करंट बढ़ेगा, मैक्सिमम होगा, घटेगा, फिर उल्टा डायरेक्शन में जाएगा, एंड इट गोज लाइक दिस। ये ऑल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ होता है, मतलब किसी एक समय में, जैसे अब पूछे ये समय में कितना करंट है, ये करंट है, ये समय में कितना करंट है, ये करंट है, ये समय में ये करंट, ये समय में ये करंट, तो अलग अलग समय में अलग अलग, ये करंट वर्सेस टाइम डायग्राम में आपको दिया। तो इसमें एक नोटिस करने वाली चीज है, ये समय में क्या करंट था, जीरो, ये समय में क्या करंट था, जीरो, ये समय में क्या करंट था, जीरो। तो जब ये करंट किसी बल्ब के अंदर से जा रहा है, करंट है, तो उसमें हीट जनरेट होगा, हीट जनरेट होगा तो उसमें से लाइट निकलेगा,
जब करंट नहीं है हीट नहीं होगा, हीट नहीं होगा तो लाइट नहीं निकलेगा। इसका मतलब जब किसी बॉल के अंदर से ये अल्टरनेटिंग करंट जा रहा है, करंट कभी कभी जीरो हो रहा है, तो बॉल को तो धपधपाना चाहिए। तो हमें तो ऐसा नहीं दिख रहा है कि बॉल तो कंटिन्यूअसली ग्लो कर रहा है, ऐसा क्यों लगता है? क्या बॉल धपधपाता नहीं है? नहीं सा, धपधपाता है, हमें नहीं दिखता है। क्यों? क्योंकि हम लोग जो यूज कर रहे हैं एसी, उसका फ्रीक्वेंसी कितना है? 50 हर्ट्ज। मतलब एक सेकेंड में यहां से यहां तक ये हुआ एक साइकिल, ऐसा एक साइकिल 50 चले जाता है एक सेकेंड में। एक सेकेंड में हाउ मेनी साइकिल्स को? 50 साइकिल्स, 50 हर्ट्ज है उसका फ्रीक्वेंसी। एक सेकेंड में 50 चले जाता है, मतलब एक सेकेंड में कितने बार ऐसे डार्क आउट सिस्टम आता है? 2 बार। मतलब एक साइकिल में 2 बार आता है और एक सेकेंड में 50 साइकिल चले जाता है। मतलब कितने बार लाइट बंद होता है एक सेकेंड में? 100 बार। तो एक लाइट बंद होने का दूसरा लाइट बंद होने के बीच में टाइम गैप कितना है? 1/100, 0.01, एंड वी आर नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज। हमें पता नहीं चल रहा है कि लाइट बंद हो रहा है, जल रहा है, हमें लग रहा है लाइट जला हुआ है। जबकि अगर हमारा परसिस्टेंस 0.01 सेकेंड से भी कम होता तो हमें क्या दिखता? लाइट धपधपा रहा है। और ये 50 हर्ट्ज का एसी के जगह मान लो 20 हर्ट्ज का एसी कर लेते तो उतना ही वोल्टेज आता, उतना ही करंट जाता, उतना ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता, लेकिन हीट उतना ही होता, इलेक्ट्रिसिटी भी उतना ही होता, लेकिन हमें धपधपाता नजर आता। समझ में आ रहा है क्या? That is a very interesting fact कि persistence of human eye is 0.01 second। क्या आप लोगों को बात हजम हो रहा है? Yes sir। Yes। तीसरा important चीज ये है कि हमारे पास दो आंखें, we have got 2 eyes, है ना? ये सबको मालूम है, और किसी का नहीं है तो I cannot help you। सबके पास तो होगा दो आंख। अगर सबके पास दो आंख है, सोचो एक आंख होता तो हमें क्या तकलीफ होता? ये अगर एक आंख होता तब भी हमें चीजें दिखाई देते। ये देखा, तो हमारे पास अगर एक आंख होगा ऐसे मुंडी घुमा के हम सारा चीज देख सकते थे, लेकिन तकलीफ क्या हो रहा है? सपोज ये आपका एक आंख है, दिस इज व्हाट इज वन आई, दिस इज व्हाट इज अदर आई, ठीक है? यहाँ पे कोई एक चीज रखा हुआ है, यहाँ से ढेर सारे लाइट निकल रहे हैं, इट मे बी ए लुमिनस ऑब्जेक्ट, इट मे बी ए नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। यहाँ से कुछ लाइट आके इस आंख में गिर रहा है, कुछ आके इस आंख में गिर रहा है। ये आंख हमें क्या सेंसेशन देता है? कहता है कि ऑब्जेक्ट इधर है। ये आंख हमें सेंसेशन देता है, नहीं ऑब्जेक्ट इधर है। दोनों का सेंसेशन अलग अलग रहता है। तो ब्रेन किसका सिग्नल को भी लेता है? ब्रेन तो है, भेजा इसके पीछे, है ना? ये इसका सिग्नल को भी लेता है, इसका सिग्नल को भी लेता है, बोलता है ये बोल रहा है इधर है, ये बोल रहा है इधर है। तो कहां है वो? मैप कर लेता है कि अच्छा वो ऑब्जेक्ट यहां पे है। थोड़ा शायद मैं आपको बढ़िया से समझा नहीं पाया, आई वुड लाइक टू गिव यू वन मोर एग्जांपल, आपको बढ़िया से समझ में आएगा। सपोज ये कोई एक प्लेग्राउंड है, ये एक प्लेग्राउंड है, यहां पे कोई एक कॉइन पड़ा है, ठीक है? और ये आप प्लेग्राउंड में खड़े हो, ठीक है? और यहां पे आपका दोस्त खड़ा है, कौन? ए। ए को पूछे कॉइन कहीं पड़ा है देखे हो? ए क्या बोलेगा? हाँ कॉइन इधर पड़ा है। तो आप पूरा इतना बड़ा प्लेग्राउंड के कहां पर ढूंढोगे? यहां पे, यहां पे, यहां पे, यहां पे, सारे जगह ढूंढने की कोशिश करोगे, क्योंकि वो इंडिकेट कर रहा है कि कॉइन इधर है। वो जो बोल रहा है सही बोल रहा है, लेकिन आपको कॉइन तुरंत दिखता नहीं है। योर ब्रेन इज नॉट वर्किंग, यू ट्राई टू वॉच अलोंग दिस लाइन, बट एट द सेम टाइम देयर वाज अनदर फ्रेंड स्टैंडिंग समवेयर, से उसका नाम बी है, उसको पूछो बता रहा है यार कहां पर है वो कॉइन, वो बोलेगा यहां पर है। अब आप क्या करोगे? कभी इसको देखोगे, कभी इसको देखोगे, फिर आपका ब्रेन मैप कर लेगा, अच्छा ये बोल रहा है इधर है, ये बोल रहा है इधर है। आप और इधर उधर नहीं ढूंढोगे, सीधे पहुंच जाओगे इसके पास। इज नॉट इट when two persons indicated the same point, you look at both of them and catch the point where it is, है कि नहीं?
दैट इज द वे। तो ये ए क्या करेगा, ये पहुंच जाएगा इसके पास एंड इज एबल टू सी। सिमिलरली दोनों आई हमें मदद करते हैं कि ऑब्जेक्ट कहां पे, एक बोलता है कि इधर है, एक बोलता है कि इधर है। ब्रेन क्या करता है, दोनों आंखों की सिग्नल को देखता है, फिर बोलता है यहां यहां पे पकड़ लेता है। सो अगर हमारे दो आंख होने की बावजूद एक तो आंख होता और बड़ा वाला नहीं, कैसा दिखता सोचो, कैसा दिखता अगर हमारे पास एक आंख होता वो भी बड़ा वाला होता तो कैसे दिखता, अच्छा नहीं दिखता। और क्या तकलीफ होता, तकलीफ ये होता कि हम किसी एक मटेरियल का डायमेंशन को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे, बड़ा है छोटा है कितना लंबा है कितना दूर पे है, है ना। तो पॉइंट नंबर 4 में क्या हुआ, विथ हेल्प ऑफ टू आईज वी रिकॉग्नाइज द डायमेंशंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, हो ऑब्जेक्ट कितना बड़ा है छोटा है। एक आंख होगा और आपसे कुछ दूर पे एक पेन रखा जाएगा, कोई बोलेगा बताओ पेन कितना दूर पे है, ये बताना आपके लिए मुश्किल होगा। ठीक है, लेकिन दो आंखें तो आसानी से बता दो, यहाँ 2 फीट दूरी पे, 3 फीट दूरी पे। कोई बोलेगा रूम का लेंथ कितना है, दो आंखें तो आप आसानी से बता दोगे, एक आंख से देखोगे इट बिकम्स डिफिकल्ट ऑन योर पार्ट टू रिकॉग्नाइज व्हेन यू आर अलोंग द लाइन ऑफ द लेंथ। ये पेन को ऐसे सीधा पकड़ के लेंथ बताना मुश्किल है ना। अच्छा, तो दो आंख का मतलब समझ में आ गया, समझ में आया कि नहीं आया, है ना। तो ये हो गई हमारा इंपोर्टेंट पॉइंट्स। चौथा पांचवा पॉइंट वो है जी, जब हम कोई चीज को देखते हैं उसका ब्राइटनेस का सेंसेशन हमें होता है, अगर ज्यादा ब्राइट है या कम ब्राइट है। हमें जितना ब्राइटनेस चाहिए ब्रेन उतना ही लेता है, उससे ज्यादा ब्राइट जाएगा तो कैसे कैसे हो जाएगा, यू कैन नॉट लुक एट द सन, है ना। तो क्या होता है व्हेन ब्राइटनेस इज मोर, तो आप देखोगे आपका रेटिना का साइज छोटा हो रहा है, ये छोटा हो जाएगा क्योंकि उसको थोड़ा सा लाइट चाहिए। ब्राइटनेस इज लेस, रेटिना का साइज बड़ा हो जाएगा ताकि ज्यादा लाइट अंदर जा पाए। आर यू गेटिंग द साइज, जो आपका प्यूपिल है, जो आपका प्यूपिल है आई में, सॉरी रेटिना बोल दिया, प्यूपिल है वो कभी डायलेटेड हो जाता है, बड़ा हो जाता है तो कभी छोटा हो जाता है। हैव यू एवर सीन द स्मॉल ब्लैक स्पॉट एट द सेंटर ऑफ योर आई, देखे हो कि नहीं देखे हो, आंखों में ये आंख है इसके बीच में एक छोटा सा गोल होता है, नहीं होता है, जो प्यूपिल ऑफ द आई है ना। जब आप कम लाइट के कोई ऑब्जेक्ट को देखोगे वो प्यूपिल को ज्यादा खोल देगा, ऑटोमेटिकली खुल जाएगा तो ज्यादा लाइट अंदर जाएगा। ब्राइट वाला ऑब्जेक्ट को देखोगे ये छोटा हो जाएगा, और ये छोटा होने के बावजूद भी अगर कंट्रोल नहीं हो रहा है तो आई लिड्स विल आल्सो कम डाउन टू सपोर्ट इट, है ना। कोई ब्राइट वाला चीज को देखने से हमारा आंखें ऐसे ऐसे हो जाते हैं कि नहीं हो जाते हैं, क्योंकि वी आर ट्राइंग टू अलाउ लेस लाइट। मैं और बेटर तरीके से बता सकता हूं, जब रात में आप सोए हुए हो, रात में सोए हो तो रूम इज डार्क, जब रूम इज डार्क तो बहुत कम लाइट अवेलेबल है, तो आपका प्यूपिल बड़ा रहेगा कि छोटा रहेगा, बड़ा रहेगा ताकि ज्यादा लाइट अंदर जा पाए और देख पाओ, क्योंकि आंख की कोशिश क्या रहता है, मैं चीजों को देखूं। अब सडनली कोई लाइट लगा दिया, सडनली ज्यादा लाइट अंदर जाने लगा, प्यूपिल बड़ा था अभी क्या हुआ है उसको छोटा हो रहा है, और छोटा होने के लिए समय लगेगा तो आंख में पेन होता है कि नहीं होता है। थोड़ी देर के बाद जब वो छोटा हो जाता है फिर हम आसानी से देख पाते हैं, है कि नहीं। अगर हम बार बार लाइट को ऑफ ऑन करेंगे क्यूपिल भी ऐसा 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 करेगा करेगा तो इसका ज्यादा एक्सरसाइज होगा तो पेन हो जाएगा, टायर्ड हो जाएगा और उसमें फटीग भी हो सकता है। इसलिए बोलते हैं कि मुंह के पास मोबाइल रख के मत देखो, टीवी को पास से मत देखो, क्योंकि ब्राइटनेस उसका बदलता रहता है, प्यूपिल भी उसके हिसाब से डेंस करता रहता है, अननेसेसरली योर प्यूपिल विल अंडरगो फटीग। फटीग क्या है, कोई चीज को अपना लिमिट के अंदर भी यूज करने के बावजूद वो टूट जाता है। मान लो कोई स्प्रिंग है, खींच के छोड़ो आ जाएगा, खींच के छोड़ो आ जाएगा, 100 बार ऐसे करोगे कुछ समय के बाद टूट जाएगा, वो अपना रेंज में था, आप उसको लिमिट से बाहर नहीं खींचे हो उसके बावजूद। जैसे कोई बार है, आयरन बार है, थोड़ा सा बेंड करो छोड़ दो वापस आ गया, थोड़ा सा बेंड करो छोड़ो वापस आ गया, बार बार ऐसे ऐसे करोगे टूट जाएगा, दैट इज कॉल्ड फटीग।
है ना, तो आपकी आंखों की प्यूपिल अगर कोई मोबाइल को पास से देख रहा है या कोई टीवी को पास से देख रहा है, उसका ब्राइटनेस बार बार बदल रहा है, तो भी उसका साइज छोटा बड़ा छोटा बड़ा छोटा बड़ा छोटा बड़ा होगा, फिर एक बार बड़ा होके रह जाएगा, बड़ा के अंदर क्या होता है और एक होल होता है वो भी रह जाएगा, यू विल फाइंड यू विल हैव ए आई विद ए होल, डॉक्टर बोलेगा गया इसका आंख खराब हो गया, ट्रांसप्लांट करो। इसलिए कहते हैं कि मोबाइल को पास में मत रख के मत रख सोना है, मत देखना। दूसरी चीज कहते हैं कि डार्क रूम में सोते वक्त नहीं देखना, क्योंकि आप इधर उधर देखोगे तो डार्क है, उधर देखोगे तो क्या होगा, प्यूपिल बड़ा हो जाएगा, मोबाइल को देखोगे तो छोटा हो जाएगा, तो इधर उधर करोगे तो यू विल बी इन ट्रबल। आपको टीवी देखना है, नेवर वॉच इट इन ए डार्क रूम, वॉच इट इन ए लाइटेड रूम, लाइट लगाओ, रूम में बैठ के टीवी देखो, तो आपकी प्यूपिल पे ज्यादा लोड नहीं आएगा, है ना। सो यू अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स। तो बाय द वे ये फिगर क्या था, ये तो ओ ये तुम्हारा आंख था, ओ इसलिए इतना डरावना दिख रहा है, ठीक है, तो ये तुम लोगों का आपको मैं मिटा दिया। तो क्या आपको ये चार इंपोर्टेंट पॉइंट समझ में आए, वी आर स्टार्टिंग विथ रिफ्लेक्शन, लेकिन अभी तक नहीं पहुंचे क्या है रिफ्लेक्शन, आएंगे धीरे धीरे। अभी हमें जो सेंसेशन ऑफ सीइंग लुकिंग कोई चीज हमें दिखाई कैसे देता है उसके बारे में बात कर लिए हम लोग, वी हैव जस्ट डिस्कस्ड अबाउट हाउ वी सी थिंग्स, हमें चीजें कैसे दिखाई देता है, अब कब दिखाई देता है, कब क्लियरली दिखाई देता है ना, कब हम उसको पहचान पाते हैं, कब उसका साइज जान पाते हैं। तो थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं, कोई ऑब्जेक्ट हमें कब दिखाई देता है, वो ऑब्जेक्ट से अगर लाइट आके हमारे आंखों में पहुंचेगा तो कहां दिखाई देता है, जिस डिरेक्शन में रे आ रहा है हमारा ब्रेन कहता है उसकी अपोजिट डिरेक्शन में है, है ना। अच्छा, फिर व्हाट इज रिजल्टिंग पावर ऑफ एन आई, अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारे आंखों में कम से कम 1/60 डिग्री या उससे ज्यादा एंगल करेगा तभी हम उसको देख पाएंगे और पहचान पाएंगे। अच्छा, उससे कम एंगल करेगा तो कुछ तो दिखेगा लेकिन क्या है हम रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे। व्हाट इज पर्सिस्टेंस ऑफ ह्यूमन आई, अगर कोई चीज विजिबिलिटी रेंज के अंदर होते हुए भी अगर हमारे आंखों के सामने बहुत कम समय के लिए टिक गया तो हम कहेंगे हम देख नहीं पाएंगे, वो समय कितना है 0.01 सेकंड। आपके सामने कोई एक बुक को 0.01 सेकंड के लिए रख के उसे कम समय में निकाल के छीन लेंगे, पढ़ पाओगे क्या, नहीं पढ़ पाओगे, क्यों, क्योंकि उसको पहचानने के लिए आपको कम से कम 0.01 सेकंड के लिए देखना था, उससे कम समय में नहीं होता है ना। सस्ते वाले कैमरा लोगे, कोई गाड़ी जा रहा है कोई साइकिल जा रहा है फोटो उठाओ, अब देखोगे उस जो व्हील है उसका स्पोक्स नहीं दिख रहे हैं सस्ते वाले कैमरे में, क्यों, क्योंकि उसका पर्सिस्टेंस ज्यादा है। लेकिन कॉस्टली वाला लोगे तो कैमरा लोगे तो उसमें क्या होगा कि वो बहुत ही जैसे कहते हैं 30 फ्रेम्स पर सेकेंड 100 फ्रेम्स पर सेकेंड कितना फ्रेम्स पर सेकेंड ले सकता है, हाउ मेनी फोटोज इट कैन टेक इन 1 सेकेंड। तो क्या होता है जो कोई पावरफुल कैमरा होगा मतलब जिसमें FPS फ्रेम्स पर सेकेंड इज मोर, अगर उसको अगर देखेंगे उसी में अगर वीडियोग्राफी करेंगे कोई साइकिल जा रहा है तो उसकी स्पोक्स भी दिखेंगे। समझ में आ रहा ना, व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज पर्सिस्टेंस ऑफ ह्यूमन आई। तो फिर क्या देखें हम लोग, अच्छा ये आ गया क्या, हमारा दो आय नहीं आंख नहीं होता तो क्या तकलीफ होता, क्या तकलीफ होता, हमारा फेस ऐसे ही होता जैसा है, सारा कुछ ऐसे ही होता, बस दो आंख की बजाय एक आंख होता ऐसा वाला, और पता चला इधर मुंह है इसके नीचे नाक है, अच्छा लगता क्या देखने में, बड़ा वाला आंख होता, नहीं बड़ा वाला आंख होने से दिखेगा नहीं। तकलीफ क्या होता है, दो आंख होने से हम चीजों की डायमेंशन को रिकॉग्नाइज कर पाते हैं, कितना बड़ा है कितना छोटा है उसको रिकॉग्नाइज कर पाते हैं, ठीक है। तो कोई भी नया आर्टिकल स्टार्ट करने के लिए आई नीड ऑलवेज सम टाइम, पहला अभी स्टार्ट करेंगे तो उसको समझने में आपको दिक्कत होगा, मैं इसका वीडियो भी आपको भेज दूंगा आप लोग कर लेना। नेक्स्ट क्लास विल स्टार्ट विथ रिफ्लेक्शन, जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे कैसे लाइट रिफ्लेक्ट करता है, उसमें इमेज कैसे बनता है, वो सारा चीजों के बारे में हम लोग देखेंगे, व्हाट आर द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड एवरीथिंग वी शैल सी। फिर मिलेंगे अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद।